बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। बाब नंबर 38, हदीस नंबर 106, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने का गुनाह। हदीस नंबर 106, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मुझ पर झूठ ना बांधना, क्योंकि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो यकीनन दोजख में जाएगा। फायदा, खुतबा हजरात जोश व खिताबत में बाज दफा कई ऐसी बातें कह देते हैं जो सरासर गलत होती है, फिर इनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर देते हैं, यानी इन गलत बातों को हदीस के हवाले से बयान किया जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी चीज की इंतसाब में कामिल यकीन, पूरे एहतियात और मुस्बत की जरूरत है। अगर एहतियात का दामन हाथ से छूट गया तो नेकी बर्बाद, गुनाह लाजम की सूरत पैदा हो जाएगी। इस सिलसिले में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की इस रवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने वाले के लिए जहन्नम है। इसके दूसरे मानी ये भी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने के मुकाबले में आग में दाखिल होना गवारा कर लिया जाए, लेकिन आप पर झूठ न बोला जाए। वल्लाहु आलम। हदीस नंबर 107, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अनहा से रवायत है, वो कहते हैं, मैंने अपने वालिद जुबैर रजी अल्लाह अनहा से दरियाफत किया, वालिद मोहतरम मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वाले वसल्लम से अहादीस बयान करते हुए नहीं देखा, जिस तरह फला फला बयान करते हैं। उन्होंने फरमाया, मैं कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना है, जो कोई मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना आग में बना ले। हदीस नंबर 108, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मुझे ज्यादा हदीसें बयान करने से ये बात रोकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साद गिरामी है, जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोलेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेगा। फायदा, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि अगर मुझे बयान हदीस में गलती का अंदेशा ना हो तो मैं बकसरत हदीस बयान करूं। इसका मतलब ये है, आप सिर्फ उसी हदीस को बयान करते थे जिसके मुतल्लक आपको यकीन होता के वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही फरमाया है, अगर कहीं शक पड़ जाता तो इसे बयान करने से इज्तनाब करते। हदीस नंबर 109, हजरत सलमा बिन अकुआ रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स मेरी तरफ वो बात मंसूब करे जो मैंने नहीं कही वो अपना ठिकाना आग में बना ले। फायदा, इस हदीस से ये मालूम हुआ कि जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत मंसूब की गई है, ख्वाबो तरगीबो तरहीब से मुतल्लक हों या एहकाम मसाइल से, इनका बयान करना जहन्नम में जाने का पेश खेमा है। लिहाजा रवायत कौला हो या फाली, कायल को पूरे इतिहास से काम लेना चाहिए, खास तौर पर मौजू और खुद साख्ता रवायत का बयान करना किसी सूरत में जायज नहीं। सिर्फ बताने के लिए नकल की जा सकती है कि ये बेअसल और बेबुनियाद है। इस तरह ज़ईफ़ और रवायत को भी ऐसे अंदाज में पेश करना के सुनने वाले उन्हें सही समझ बैठे और उन पर अमल करना जरूरी करार दे लें, ये अंदाजा भी दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 110, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम मोहम्मद और अहमद पर नाम रखो, मगर मेरी कुनियत अबुल कासम पर कुनियत ना रखो, और यकीन करो जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने यकीनन मुझ ही को देखा है, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता, और जो दानिश्ता मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। फायदा, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की सआदत ऐसी सूरत में बरकत हो सकती है जबकि ख्वाब में देखा हुआ हुलिया कुतुब व हदीस में मौजूद आपके हुलिया मुबारका के मुताबिक हो। आपके हुलिया मुबारका के मुतल्लक मुस्तनद किताब रसूल काना का तारा बहुत मुफीद है, जिसका उर्दू तर्जमा दारए अरकम के कलम से है, आईना जमाल नबूवत के नाम से दारुसलाम ने साया किया है। अल्लाह ताला हम सब को दीन को सही मायनों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।